अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग फॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म से। तो आज की हमारी वीडियो का मौजू है इन्वर्ट लेवल्स के मुतालिक। तो ये इस किस्म का इन्वर्ट प्लान हमें दिया गया होता है ड्राइंग के अंदर, जब हमने उसको मार्क करना होता है, जिसके अंदर ये हमारे पास इसके डाया रोड्स के नैम वगैरह और उसका स्टार्ट एंड और उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह ये सारे दिए गए होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि आई एल जो है हमारे पास इन्वर्ट लेवल दिए गए हैं और दरमियान में हमारे पास इसकी लेंथ दी गई है 88 की और साथ इसका डाया दिया गया और साथ इसकी आर डीज वगैरह लगी होती हैं, साथ इसके एरो के साथ इसका डायरेक्शन वगैरह बताया गया होता है कि ये पानी की डायरेक्शन हमारी इस तरफ जाएगी और ये पूरा रूट प्लान इसका बना हुआ होता है। तो ये इसके इन्वर्ट्स लेवल्स वगैरह होते हैं और ये इनके साथ इनकी स्लोप्स को दी गई होती है मुख्तलिफ जगह के ऊपर। तो इनकी स्लोप्स और इनके इन्वर्ट लेवल्स को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, इस वीडियो के अंदर हम इसके अंदर पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे कि आपने इन्वर्ट लेवल आपके पास है तो आपने उसके जरिए स्लोप कैसे कैलकुलेट करनी, और अगर आपके पास स्लोप है तो उसके जरिए आपने इन्वर्ट लेवल अपने इन एरो के जरिए मेन होल टू मेन होल आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो मेरे चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब कर देना है और मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। तो ये हमारे पास इस तरह हम इतना अपना इधर अपना लेआउट बनाते हैं। ये मेन होल नंबर 1 है हमारे पास, इसी तरीके से आगे मेन होल नंबर 2, आगे मेन होल नंबर 3 और आगे लास्ट के ऊपर मेन होल नंबर 4। तो इनके ऊपर हमारे पास ये नीचे लाइन्स जा रही हैं, इसकी ये फ्लो की लाइन है और ये फ्लो के डायरेक्शन के हिसाब से इसका बताया गया होता है कि हमारे पास पानी का फ्लो किस तरफ जाएगा। ये जो डायरेक्शन के एरो होते हैं इसके हिसाब से ऊपर हमारे पास इन्वर्ट लेवल दिया गया है। मेन होल टू मेन होल सेंटर लाइन की लेंथ है 100 और इसकी स्लोप है 0.0045। तो आगे हमने इसका इन्वर्ट लेवल मेन होल टू का मालूम करना है, वो कैसे करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास स्लोप है इसकी 70 फीट और इसकी जो स्लोप है वो हमने मालूम करनी है। ये इन्वर्ट लेवल मालूम करके इस इन्वर्ट लेवल के जरिए पानी का फ्लो हमारा इधर आगे जा रहा है और इसी तरीके से एंड के ऊपर वहाँ पर डिस्टेंस है 85 और इसकी स्लोप है 0.0045। तो इससे आगे का हमने इन्वर्ट लेवल मालूम करना है, वो इन्वर्ट लेवल हम कैसे मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह का हम इधर से इन स्लोप्स की मदद से ये इन्वर्ट लेवल और ये इन्वर्ट लेवल कैलकुलेट करने के बाद ये स्लोप और आगे इसका इन्वर्ट लेवल इन फ्लो के डायरेक्शन के हिसाब से मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना इन्वर्ट लेवल मालूम करते हैं इस जगह का। तो ये इन्वर्ट लेवल हमारे पास इज इक्वल टू होएगा, इसका फार्मूला आएगा स्टार्ट एलिवेशन प्लस स्लोप मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। स्टार्ट एलिवेशन इन्वर्ट लेवल हमारे पास स्टार्ट वाला होएगा, स्लोप हमारे पास ये जो दी गई है और इसके साथ डिस्टेंस नीचे हमारा दिया गया है। तो इसको आगे हम इसको फार्मूले शक्ल में लेकर आएंगे, इन्वर्ट लेवल इज इक्वल टू 2100 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 0.0045 स्लोप और डिस्टेंस इसका। तो आपने कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है, 210 प्लस ब्रैकेट लगानी है आपने 0.0045 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। तो 100 करेंगे तो हमारे पास ये इस मेन होल का इन्वर्ट लेवल आ जाएगा 210.45। तो ये स्लोप हमारे पास इधर जा रही है तो उसको हमने इधर इसीलिए प्लस किया, ये वाला लेवल हमारा ज़्यादा होएगा और ये वाला लेवल हमारा इधर से कम होएगा। इसी तरीके से आगे हमने इसके स्लोप को कैलकुलेट करना है इन दोनों लेवल्स की मदद से। तो स्लोप इज इक्वल टू हमारे पास आएगी इधर, तो स्लोप इज इक्वल टू हमारे पास है इन्वर्ट लेवल 1 माइनस इन्वर्ट लेवल 2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो ये इन्वर्ट लेवल 1 कौन सा होएगा, इन्वर्ट लेवल 1 हमारे पास जो लास्ट इन्वर्ट दिया गया होगा उसके बाद नेक्स्ट वाला इन्वर्ट लेवल और डिवाइडेड बाई इन दोनों का जो आपस में दरमियानी फासला होगा, दरमियानी डिस्टेंस होएगा, उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी स्लोप आ जाएगी। तो स्लोप के लिए हमारे पास इज इक्वल टू इसी तरह इन्वर्ट लेवल 1 हमारे पास 210.45, उसमें से माइनस कर देंगे इन्वर्ट लेवल 2 और डिवाइडेड बाई हम कर देंगे 70 फीट या 70 मीटर डिस्टेंस। तो यह आपने कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है, 210.45 माइनस 210.24 डिवाइडेड बाई 70 करेंगे तो ये हमारे पास इधर स्लोप आ जाएगी। तो ये हमारे जो स्लोप आई है 0.003, ये इस लाइन की इस मेन होल से लेके इस मेन होल तक इन दोनों इन्वर्ट्स के दरमियान की जो स्लोप है वो आएगी। तो इसी तरीके से लास्ट हमारे पास इन्वर्ट लेवल हमने दोबारा कैलकुलेट करना है, तो इन्वर्ट लेवल हमारे पास इसी तरीके से आ जाएगा, इन्वर्ट लेवल स्टार्ट एलिवेशन माइनस स्लोप मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। तो स्टार्ट एलिवेशन अभी हमारे पास ये आएगा 210.24, अब हमने इसको माइनस करना है और माइनस करने के बाद स्लोप और उसके साथ डिस्टेंस कर देना है। तो ये हमने इधर जब किया था, ये हमारे एरो हमारा इधर लेफ्ट साइड के ऊपर था, तो ये हमने एलिवेशन को इधर प्लस किया था, इधर हमारे पास स्लोप जा रही है इधर राइट साइड के ऊपर, तो इधर एलिवेशन को हम इस स्लोप के अंदर से और डिस्टेंस के अंदर से हम माइनस करेंगे। तो आपने कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है, 210.24 माइनस ब्रैकेट लगानी है 0.0045 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। तो ये हमारे पास उसका एलिवेशन आ जाएगा 209.858। तो ये हमारे पास जो एलिवेशन होएगा ये इस जगह का एलिवेशन होएगा। तो ये आपने इसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेना है, इसके साथ जो स्लोप्स हमें दी गई होंगी, स्लोप के साथ माइनस का साइन नहीं होता, इसके साथ डायरेक्शन एरो होते हैं जिसकी मदद से हमने उसको इसके एलिवेशंस को कैलकुलेट करना होता है, इन्वर्ट लेवल्स को भी और स्लोप्स को भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह।